ग्राम पंचायत महरौली में मनरेगा के तहत मशीनों से काम हो रहा है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। सरपंच सचिव के पास मजदूर रोजगार मांगने जाते हैं तो उन्हें दुत्कार कर भगा दिया जाता है। सरपंच सचिव का कहना है कि कहीं भी जाकर शिकायत कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मनरेगा के तहत मजदूरों के द्वारा काम कराया जाता है। खनिया थाना जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत महरौली में इन दिनों मनरेगा में तहत निर्माण कार्य जारी है। वही ग्राम पंचायत महरौली में निर्माण कार्य चल रहा है। इसी रोड निर्माण के दौरान मनरेगा के तहत मजदूरों से द्वारा कार्य कराकर रोड निर्माण कराया जाना था, पर यहां मजदूरों को काम न देकर बड़ी बड़ी मशीनें जेसीबी ट्रैक्टरों से रोड निर्माण कराया जा रहा है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सब पंचायतों और अखाड़े की नदी से रोड स्कूल तक डल रहा है, तो ये काम कैसे कराया जा रहा है? जेसीबी से हो रहा है काम, और मतलब ट्रैक्टर से, जेसीबी ट्रैक्टर होते हैं, जबकि मजदूरी के द्वारा होना चाहिए ये काम। हाँ, मजदूरी के द्वारा होना चाहिए, जेसीबी और ट्रैक्टर से। तो आप लोगों ने सरपंच सेक्रेटरी से कहा नहीं? कहा था। क्या हम कहा? क्या कहा? वहाँ थे भी साहब, हमको काम दे दो, काम वाम हम लगाया नहीं है, हम जेसीबी से और ट्रैक्टर से करा रहे हैं। हम इन भाई साहब से बोले कि मशीन चढ़ावो चाहिए, मशीन चढ़ एकदम मशीन लेके इनसे चढ़वाई। तो पैसे पैसे किसके खाते में डाले जा रहे हैं? पैसे विवाद में डलवा रहे हैं बात क्या के बोल मास्टर से डलवा रहे हैं। मजदूर लोग तड़प रहे हैं, मतलब बाजाबते हम आए हैं आपकी आपने मतलब मजदूर लोगों ने लगा लो, हमने वीडियो बनाई, इनने हमारे ऊपर मशीन चलाने की कोशिश करी, 2 फुट मशीन रह गई है, नहीं हमारे ऊपर चला दी। कौन सी पंचायत है? महरौली पंचायत से। महरौली पंचायत कौन सा रोड डल रहा है? रोड अखाड़े से डल रहा है गांव तक के लिए। कितने किलोमीटर का रोड होगा? लगभग होगा 5.5 किलोमीटर का। 5.5 किलोमीटर का। सरपंच सेक्रेटरी क्या कहते हैं? सरपंच सेक्रेटरी कुछ नहीं कहते हैं, हमें मतलब ये मशीन वाले आप दोस्त देते हैं, अगर तैयार से भग जा नहीं तो मार डालूंगा। अच्छा, तो आप पे मशीन चलाने की कोशिश? हाँ, मशीन चलाने की कोशिश की, सिर्फ 2 फुट रह गई थी, मशीन ऑपरेटर ने मेरे ऊपर चला दी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।